अनुपम और अनुज की सगाई हो रही है, जानते हैं ना आप? आपको बुलाया कि नहीं? क्योंकि उन्होंने तो सबको नाता दिया है, वैसे हमें भी बुलाया था लेकिन हमें तो सगाई से ज़्यादा, सगाई से पहले वाले जो मोमेंट थे ना, उसमें ज़्यादा इंटरेस्ट था, क्योंकि क्या रोमांस चल रहा है दोनों का, देखिए ना। जैसे जैसे एक एक दिन गुजर रहा है, अनुपमा और अनुज करीब आते जा रहे हैं। आए भी क्यों ना, आखिर इनकी शादी जो होने वाली है, वैसे शादी की रस्में तो बस शुरू होने वाली हैं, जिसकी खुमारी दोनों के चेहरे पर साफ नजर आ रही है। इसलिए तो सगाई की रस्म के पहले दोनों का प्यार छलक रहा है। इश्क और मुश्क ऐसी चीज है जो छुपाई नहीं छुपती। अनुज का अनुपमा से प्यार बेशुमार है। अब सगाई की रस्म से पहले मस्ती भी तो होती है, पार्टी के साथ साथ होने वाले दूल्हा दुल्हन गेम भी खेलते हैं, जैसे कि आज अनुपमा और अनुज फाइंड द नेम गेम खेल रहे हैं, क्योंकि नाम ही ऐसा होता है जो दिलों को जोड़ कर रखता है। प्यार कोई खेल नहीं बल्कि एक जिम्मेदारी है, पर यहाँ जो खेल खेला जा रहा है वो केवल परिवार में हंसी और खुशी लाने के लिए खेला जा रहा है। अब इसी के बाद तो दोनों की सगाई भी होगी और फिर दोनों का रिश्ता और भी मजबूत हो जाएगा, फिर बस देरी सात फेरे लेने की होगी, जो वो भी पूरी हो जाएगी। एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। सई और विराट के बीच कुछ तो है, हो सकता है कि सई विराट की भी शादी हो जाए। हाँ, घर में एक शादी तो हो ही रही है, एक ही मंडप में दो शादी, क्या कहते हैं, एक ही खर्चे में दो काम निपट जाएंगे। भाई आसार तो ऐसे ही लग रहे हैं, आपको क्या लग रहा है? अगर आपके मन में भी सवाल है ना, तो चलिए हमारे साथ गुम है किसी के प्यार के सीरियल के सेट पर, क्लियर हो जाएगा। सई ने आज खुद को दुल्हन की तरह सजा लिया है, सर से लेकर पांव तक का श्रृंगार देखने लायक है। यही वजह है कि विराट के साथ साथ सबकी नजरें सई पर टिक गई हैं। लेकिन ये क्या, सई की तो ऑलरेडी शादी हो चुकी है, फिर ये दुल्हन जैसा सजना सवरना क्यों? और यहाँ जो बैंड बाजा बारात है वो तो राजीव और शिवानी की शादी के नाम का बज रहा है, कहीं ऐसा तो नहीं यहाँ एक नहीं बल्कि दो दो शादियाँ हो? घर
घर वाले बारात के स्वागत के लिए खड़े हैं, फिर क्या, राजीव की बारात शिवानी के चौखट पर आ गई। लेकिन यहाँ तो बच्चों ने भी महफिल लूट ली, क्योंकि जैसे बच्चा पार्टी ने एंट्री की तो सबने विराट को गुलाब का फूल दे दिया, जिसे विराट ने हंसते हंसते कबूल भी कर लिया। लेकिन कहीं ऐसा तो नहीं गुलाब का फूल सई की भी तरफ से विराट को आए और बात इजहारे इश्क तक पहुंच जाए। शादी भले ही राजीव और शिवानी की होगी, लेकिन लगता है सारी महफिल की नजरें सई और विराट पर अटकने वाली हैं, क्योंकि सई कब क्या कर जाए कोई नहीं जानता, और इस शादी में कहीं एक ही खर्च में दो दो शादी ना हो जाए कुछ भी नहीं कहा जा सकता, क्योंकि सीरियल में जब तक नया मोड़ नहीं आता तब तक दर्शकों को देखने में मजा भी तो नहीं आता। एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। सीरियल की हर बहू की अग्नि परीक्षा होती है, मीत की भी होगी। भले वो पुलिस ऑफिसर बन गई है लेकिन बहू तो वो है ही, लेकिन हमें तो पूरी उम्मीद है कि ये बहू हार नहीं मानेगी। सीरियल की हर बहू की तरह ये भी जीत कर रहेगी, है ना? आज एक भाई अपनी बहन के लिए वो सब कुछ करेगा जो उसे करना चाहिए। बहन ईशा के लिए मीत अहलावत मामा जी को मना रहा है और साथ साथ शेंटी को भी, क्योंकि मीत अहलावत चाहता है कि ईशा की शादी शेंटी से हो। मामा जी, मैं ऐसा मानता हूँ कि हमें इस रिश्ते को एक मौका और देना चाहिए। शादी के सारे रस्में हम अच्छी तरह से निभाते हैं and I have a very strong feeling कि हमें इस शादी को एक और मौका देना चाहिए। मीत अहलावत ने हर मुमकिन कोशिश की जो साफ नजर आ रही है, और इसकी मेहनत भी सफल हो गई। आखिर लड़के वाले मान गए और शादी के लिए राजी भी हो गए। लेकिन यहाँ तो मीत हुड्डा का प्लान फेल हो गया, क्योंकि वो चाहती थी कि ईशा की शादी शेंटी से ना हो, इसलिए मीत ने ऐसा खेल खेला था ताकि शादी टूट जाए, लेकिन वो कामयाब नहीं हो पाई। अभी फाइनली मुझे ऐसा लगा जो मैंने फाइनल अपना दाव खेला है, उसके बाद तो शेंटी से ईशा की शादी नहीं होगी। सो ये लोग आए हैं घर पे और बोलते हैं शादी नहीं होगी। आई एम हैप्पी कि चलो अब तो सॉर्ट हो गया, एंड देन समथिंग हैपेंस, अब शादी वापस होगी। तो मीत हुड्डा इसी टेंशन में, शादी रोके तो रोके कैसे, बिकॉज ईशा को बचाना ऑफ कोर्स बहुत इम्पोर्टेंट है और दिस इज जस्ट नॉट वर्किंग। मीत हुड्डा शेंटी का सच जानती है कि वो अच्छा लड़का नहीं है और ईशा के लिए तो बिल्कुल भी नहीं, लेकिन मीत अहलावत और पूरे परिवार की आंखों पर पर्दा पड़ा हुआ है जो सच नहीं देख सकते, क्योंकि मीत के अलावा कोई इनका सच नहीं जानता, जिसके चलते मीत को सासू माँ के ताने भी सुनने पड़ रहे हैं। मीत बहू की वजह से माफी तो मांगनी है, इसके अलावा ऑप्शन भी क्या मेरे पास? मीत बहू की वजह से माफी तो मांगनी है, इसके अलावा ऑप्शन भी क्या मेरे पास? सासू माँ तो हमेशा ताने सुनाती रहती है, और अभी तो वैसे वो बहुत गलत बात भी नहीं कर रही, वो सही कह रही है। मतलब एक फैमिली जिन्हें एक्चुअल में सच्चाई नहीं पता, और मैं जो कर रही हूँ, जैसे मैंने बोला, मैं गलत करके भी सही करने की कोशिश कर रही हूँ, तो उन्हें सिर्फ वो गलत दिख रहा है क्योंकि उन्हें मेरा सही नहीं लग रहा। सो उन्हें लग रहा है कि मैं कितना गलत कर रही हूँ, एक गलती पे गलती किए जा रही हूँ, और सासू माँ ऑफकोर्स मेरे से बहुत बहुत ज़्यादा नाराज है। जब तक मैं अपना पॉइंट प्रूव नहीं कर देती तब तक ये ऐसे ही चलने वाला है। मीत आज बेबस है, लेकिन ये हार मानने वालों में से नहीं है। सच परेशान हो सकता है लेकिन हार नहीं सकता। वो दिन दूर नहीं होगा जब मीत शेंटी का सच सबके सामने ले आएगी। अभी तो डगर थोड़ी कठिन है, लेकिन मीत को उसकी मंजिल जरूर मिल जाएगी। मुंबई से कैमरामैन सुजीत मिश्रा के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज
आपको रखे आगे। आपका अपना ये कार्यक्रम यानी कि सास बहू और साजिश हुआ सम्मानित ENBA अवार्ड से। ENBA अवार्ड में सास बहू और साजिश को मिला गोल्ड अवार्ड, और जिसके लिए हम आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहते हैं। तो चलिए आपको दिखाते हैं वहां का नज़ारा, जब सास बहू और साजिश को और साथ में ABP न्यूज़ को इतने सारे अवार्ड मिले कि आप बस देखते ही रह जाएंगे। Congratulations to SBS for winning another award. बहुत बधाई हो। Congratulations. बहुत बहुत मुबारकबाद आप लोगों को। Big thank you to our audience, and we take this on behalf of ABP News for a fantabulous organization which has given us that kind of an opportunity to work like this. सास बहू और साजिश बना बेस्ट एंटरटेनमेंट कवरेज दिखाने वाला शो। दर्शकों का मनोरंजन करने के लिए मिला मीडिया इंडस्ट्री के लिए प्रतिष्ठित ENBA का गोल्ड अवार्ड, वो भी दूसरी बार। जी हां, 2020 के बाद 2021 के लिए भी सास बहू और साजिश पर ही गिरा ज्यूरी मेंबर्स और जनता की पसंदगी का कलश। पिछले 18 सालों से दर्शकों का प्यार जो मिल रहा है, तो इस प्यार की जीत तो होनी ही थी। आई थिंक ये अवार्ड हमारी पूरी टीम को मिला है, 18 साल की नॉन स्टॉप मेहनत, एंड अ बिग थैंक यू टू आवर ऑडियंस। मेरे ख्याल से संदीप जी, 18 साल जब हमारे बहुत से कॉम्पिटिटर्स आए, कॉपीज आई, सब आए दौड़ में और मैदान छोड़ छोड़ के चले गए, बट आई थिंक इट्स वॉज द परसिवियरेंस ऑफ आर टीम जिन्होंने 18 साल विद कन्विक्शन, विद विभा अराउंड, विद संदीप जी, सुशीला, ऑल ऑफ देम, कि हम मैदान नहीं छोड़ेंगे। जी बिल्कुल, हम डटे हैं और डटे रहेंगे। अभी तो सिर्फ 18 हुए हैं, मतलब जवानी अभी अभी फूटी है, आगे आगे देखिए होता है क्या। सास बहू और साजिश को अवार्ड्स तो कई मिले हैं, लेकिन पिछले 2 सालों में, खास करके कोरोना के समय में, ये जो अवार्ड मिले हैं ना, ये जनता की पसंद और सितारों का प्यार जो है ना, उसी का नतीजा है, क्योंकि हम उनकी उम्मीदों पर खरा उतरे हैं। इसीलिए बहुत सारे सितारे हैं जो SBS के फैमिली मेंबर्स बन गए हैं, और आज हमारी खुशी में वो भी शामिल हुए हैं। मेनी मेनी कांग्रेचुलेशंस टू SBS फॉर विनिंग अनदर अवार्ड एंड गेटिंग अनदर अवार्ड इन योर किटी, एंड वी ऑल वॉच यू एंड वी ऑल गेट एंटरटेन्ड बाय यू, सो कीप एंटरटेनिंग। सास बहू साजिश को मिला है बेस्ट कवरेज इन एंटरटेनमेंट का अवार्ड, दैट्स वंडरफुल, कांग्रेचुलेशंस। एंड आप एंटरटेनमेंट ऑडियंस तक पहुंचाते रहिए, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग द सोर्स, बीइंग द मीडियम बिटवीन अस एंड द ऑडियंस। बहुत बधाई हो फॉर दिस एक्स्ट्रॉर्डनरी अवार्ड जो आपको मिला है। आप लोग बहुत मेहनत करते हैं, आप जब हमारे सेट पे आते हैं तो लाजमी है कि अवार्ड आप जैसों को ही जाएगा, क्योंकि जहाँ मेहनत है वहाँ उसका फल ऐसा मिलना ही है। सो कंग्रेचुलेशंस फॉर विनिंग। मैं विश सास बहू और साजिश को ये देना चाहूँगी कि बहुत बहुत मुबारकबाद आप लोगों को, आपको बेस्ट एंटरटेनमेंट शो का अवार्ड जो मिला है। सास बहू और साजिश की पूरी टीम हमारे दर्शकों का और साथ में सभी सितारों का शुक्रिया अदा करता है, जैसे पिछले 18 सालों से आपका मनोरंजन करते आ रहे हैं, आगे भी जारी रहेगा, क्योंकि जब जब सम्मान मिलता है तब तब जिम्मेदारी भी और बढ़ जाती है और लोगों की उम्मीदें भी, और आप सबकी उम्मीदों पर हम हमेशा खरा उतरने की पूरी कोशिश करेंगे, ये हमारा वादा है। वैसे आपको ये बताते हुए हमें बहुत खुशी हो रही है कि एंटरटेनमेंट के 90 मिनट में शामिल हमारा शो खबर फिल्मी है, ये भी ENBA अवार्ड से सम्मानित हुआ है। जी हाँ, खबर फिल्मी है को मिला है बेस्ट एंटरटेनमेंट शो के लिए ब्रॉन्ज अवार्ड। टीम SBS की ओर से आप सबका शुक्रिया। ABP News, आपको रखे आगे।
और अब क्या है मनोरंजन की दुनिया का ताजा हाल, देखिए हमारी स्पेशल कहानी में। टेलीविजन पर मास्टर शेफ जैसे रियलिटी शो तो आपने देखा होगा, लेकिन अब एक ऐसा डेली सोप आप सबके सामने रूबरू होने वाला है जहां सितारे शेफ का किरदार निभाते हुए नजर आने वाले हैं। साथ इसके फैमिली ड्रामा भी होगा। बहुत दिनों के बाद टीवी पर सुज़ैन खान शेफ निक के मुख्य किरदार में नजर आने वाले हैं, वहीं राजश्री पल्लवी का किरदार निभाएंगी। इसलिए तो देखिए कैसे आज दोनों किचन में अपना हाथ आजमा रहे हैं। It's called Aglio Olio, but my version. Chef का version अलग है, लेकिन ये मैंने अपने तरीके से बनाया है। Since I'm a foodie, मैंने तो cook किया है, पहले भी cook किया है, but professional cooking पहली बार की है मैंने। This is like real professional cooking, so this is the first time I've done it. But हाँ, I am fond of food, तो खाना तो मैंने बनाया ही है। पल्लवी किरदार के लिए हमें एक स्पेशल ट्रेनिंग दी जा रही है, पल्लवी किरदार के लिए नहीं, पल्लवी शेफ के लिए। और मतलब काफ़ी बारीकियां जो होती हैं कुकिंग की, जो नॉर्मल कुकिंग में हमें ये पता भी नहीं होता है, पर जो प्रोफेशनल कुकिंग होती हैं, जो शेफ कुकिंग करते हैं, इट इज़ क्वाइट इंटरेस्टिंग। और बहुत ही मज़ा आया सीखने में, जैसे आप नाइफ़ कैसे होल्ड करते हो, या आप प्याज का कटिंग कैसे, किस अलग अलग तरीके से आप प्याज की कटिंग कर सकते हो, उसके लिए क्या टेक्निक होती है, ये सारी चीज़ें हमें इस ट्रेनिंग के दौरान सीखने को मिली। पल्लवी और निक की कहानी बिल्कुल नमकीन, मसालेदार और तड़के की नोकझोंक के साथ साथ रिश्तों में अपनेपन की मिठास भी नज़र आने वाली है। पल्लवी का किरदार अपनापन में जो है, वो एक माँ है, शेफ प्रोफेशनली, शी इज़ अ शेफ, शी हैज़ अ कैफे, और ये काफ़ी कंट्रोलिंग मदर है, स्ट्रिक्ट है, बहुत स्ट्रिक्ट है, बहुत डिसिप्लिन में रखना चाहती हैं अपने बच्चों को। मतलब कोई भी बुरी, शी इज़ वेरी पर्टिकुलर, बहुत पर्टिकुलर है, मतलब पढ़ाई करनी है तो करनी है, 7 बजे के पहले घर आना है तो आना ही है, शी इज़ वेरी स्ट्रिक्ट। सुज़ैन और राजश्री के लिए ये शो बहुत मायने रखता है। उम्मीद है कि इन शेफ को पूरा इंडिया पसंद करेगा। वैसे सास बहू और साजिश की तरफ से आप दोनों को ऑल द बेस्ट। सुरभिरन सिंह, एबीपी न्यूज, मुंबई। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। आज गुजरात डे है, आज महाराष्ट्र डे भी है, और साथ ही साथ आज लेबर डे है, यानी कि मजदूर दिवस। अरे भाई, मजदूर ना होते हमारी दुनिया में तो हम न जाने क्या करते, क्योंकि बहुत सारे ऐसे काम हैं जो हमारे मजदूर भाई बहन करते हैं और हमारे जीवन को आसान बना देते हैं, तो उनका भी शुक्रिया अदा होना ही चाहिए। वैसे शालिनी है ना, शालिनी कपूर, उन्होंने बहुत अच्छा तरीका निकाला है अपनी हाउस हेल्प का शुक्रिया अदा करने का, तो देखिए ना क्या किया शालिनी ने। आज का दिन लेबर डे है
और लेबर डे भी बहुत खास है क्योंकि एक्चुअली देखा जाए घूम फिर के हम सब लेबर्स हैं. सो आज मैं भी मेरी लाइफ में कुछ लोग हैं जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट हैं, मेरी आधारशिला हैं. आज जो मैं इतनी प्रॉपरली कन्वीनियंटली 12 घंटे काम कर सकती हूँ इसके पीछे कुछ लोगों का हाथ है. सो आई वुड लाइक टू इंट्रोड्यूस यू टू दोज पीपल हु रियली मेक अ लॉट ऑफ डिफरेंस इन माई लाइफ. ये है शोभा और ये एकदम स्टैंडर्डाइज क्यों खड़ी हो यहाँ पे कोई. शी इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ माई लाइफ बिकॉज ये बहुत सालों से हमारे यहाँ काम कर रही है और बहुत शिद्दत से काम करती है. आपसे बहुत प्यार करती हूँ, मन से, एकदम मन से, सब परिवार से आपसे और मन से काम करती हूँ मैं आपके. हमारी पिंकी और ये हमारा बहुत बहुत ध्यान रखती है और सुबह उठ के बिकॉज बहुत काम होता है, आद्या को स्कूल भेजना, मेरा टिफिन बनाना, सारा दिन भैया के लिए चाय दे दो, पानी दे दो, जूस दे दो, टैंग दे दो, फिर रात का खाना बिकॉज सो यू नो टुडे जो आज हमारी प्रोडक्टिविटी है, जो हम इतने अच्छे से काम कर सकते हैं, इट्स रियली थैंक्स टू पीपल लाइक पिंकी. एंड पिंकी ये तुम्हारे लिए है. दीदी बहुत अच्छा है, बहुत ध्यान रखता है, बस मेरा यही है. तो आज इनके लिए मैं कुछ स्पेशल करने वाली हूँ. आई एम गोइंग टू मेक टी एंड आई एम गोइंग टू मेक सम दाल वड़ा फॉर देम एंड दे विल सिट एंड एंजॉय. स्पेशल दाल के वड़े मैंने बनाए हैं, ये बहुत मन से बनाए हैं. मुझे लगता है कि गर्मी बहुत बढ़ रही है तो चाय की जगह कैंसिल करके कुछ अच्छा शरबत बना लिया जाए तो इट विल बी बेटर, है ना. तो चलिए इनके लिए शरबत बनाते हैं. शब्द इस्तेमाल करते हैं, सर्वेंट्स, नौकर, यू शुड से डोमेस्टिक वर्कर्स, यू शुड से डोमेस्टिक हेल्प, यू नो. ये उन सब के लिए ठीक है, मेरे लिए तो मैं सोच रहा था यार सब तो ठीक है, ये तो अच्छी बात है. मैं भी काफी टाइम से सर्विस में हूं. बहुत टाइम से, हां 14 इयर्स ऑफ सर्विस विद ईच अदर, दैट इज ऑफिशियल. ऑफिशियल, हां 16 इयर्स ऑफ टुगेदरनेस ऑफ बीइंग बॉन्डेड लेबर. नमक अच्छा बनाया दीदी ने. दीदी सुबह बोले मेरे को आपके लिए कुछ सरप्राइज है, मैं बेचैन हो रही थी दीदी. दीदी ने क्या ऐसा मेरे को क्या सरप्राइज देगी दीदी, क्या नहीं, इसके लिए फिर मैं अभी दीदी ने सरप्राइज दी तो बहुत खुश हूँ मैं. मैं बहुत खुश हूँ, मैं आंटी के घर पे आई हूँ, मैंने खाया, अच्छा बहुत अच्छा लगा. ये नेक्स्ट एक्ट्रेस है, आई एम टेलिंग यू. ABP News, आपको रखे आगे.